हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो, क्लास 11 स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उसमें का थर्ड लेसन और क्या है टॉपिक, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बेसिक फॉर्मूलाज बहुत सिंपल है बट उसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल डेटा यूज करके कभी कभी क्वेश्चंस को सेट किया जाता है। सो पूरा फोकस कर लेंगे क्लास, एकदम सिंपल चैप्टर है। देखो यार, हार्डली 3 या 4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ओके नो, फर्स्ट है कॉन्सेप्ट आर्क लेंथ का। तो आर्क लेंथ के लिए देखो, हमने दो सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्ट सर्कल में ये एंगल थीटा दिया हुआ है इन रेडियन एंड करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ हमने एस बोल दिया। तो हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके नो, जनरलाइज्ड फॉर्मूला, एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा हमें फाइंड करना है। तो हमारा टास्क क्लियर है, एस की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके नो, तो उसके लिए हमने रेफरेंस क्या लिया, देखो ना, हमें तो ये पता चल चुका है इनिशियल फर्स्ट वाले जो लेक्चर्स हमने देख लिए थे तो उसमें से पता क्या चल चुका है, जब एंगल 360 डिग्री दैट इज व्हाट टू पाई रेडियन होगा तब ये आर्क लेंथ मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस, यस और नो। एंड सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है बेटा, टू पाई आर। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहां पे भी मैं ऐसे बोल दू, 2π रेडियन इंटू आर, ओके 2πr बोलते हैं, तो 2π रेडियन इंटू आर। तो देखो ना यार, इट्स लाइक 2 pence के लिए 10 rupees, तो 5 pence के लिए कितना, तो ऐसे टाइप के सम को सॉल्व करते समय हम क्या अप्रोच यूज करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 2x = 10 × 5, सो x = 10 × 5/2, याद है कि नहीं? अभी देखो वही अप्रोच हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे, कैसे बता देता हूं। जब एंगल 2π रेडियन है तब आर्क लेंथ कितनी है क्लास, आर्क लेंथ इज 2π रेडियन इंटू आर, बरोबर है। तो एंगल थीटा रेडियन होगा तो आर्क लेंथ कितनी होगी, तो हमें वो निकालना है, उसे हम एस बोल देंगे। सो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो व्हाट वी गेट, 2π रेडियन इंटू एस इज इक्वल टू 2π रेडियन इंटू आर इंटू थीटा इन रेडियन। सो एस इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, देखो ना यार, ये 2π रेडियन और ये 2π रेडियन गेट कैंसल, सो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इन रेडियन। ये रेडियन का सिंबल है, यहां कुछ फॉर्मूला में सी नहीं आता, रेडियन रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे सी लिखा हो, आर यू गेटिंग मी? सो मेरे बच्चे हो गए तो कैसे ये बात कर लेंगे, एस इज इक्वल टू दैट इज वॉट आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर दैट इज वॉट रेडियस इंटू थीटा, सिर्फ नहीं बोलेंगे थीटा इन रेडियन बोलेंगे। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा इन रेडियन, एस इज इक्वल टू आर थीटा इन रेडियन। मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को यह समझ में आ चुका है, यस और नो क्लास, पक्का? ओके, अब हम एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, ये देखो ये पीस दिख रहा है, शेडेड रीजन दैट इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर, पिज्जा है उसका एक पार्ट सेक्टर है, समझ में आ गया? तो उस एरिया को सेक्टर बोल देते हैं। ओके नो, तो इसको भी हमें सिमिलर फैशन में ही डील करना है। तो यहां पे भी देखो क्लास, दो सर्कल बनाए हुए हैं, ये क्या है, एंगल थीटा है, तब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, AOB, तो उसको हमने ए बोल दिया। तो ए की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा इन रेडियन। सो हमारा पहले टास्क हमने डिफाइंड कर लिया, हमें इस टास्क में क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा
इन रेडियन. ओके, तो मतलब क्या जनरलाइज हमें फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का, जब हमें एंगल पता होगा तब. बट हमें रेफरेंस कुछ लेना चाहिए, तो कोई कोई बुक में देखो, हमारे टेक्स्ट बुक में हाफ सर्कल ले लिया, मैंने फुल ले लिया, कुछ भी रेफरेंस ले सकते हैं ना, उसमें क्या है. सो यहां पे देखो, एंगल जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा तब एंगल कितना होता है, 2π. तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा ना, यहां से लेके यहां देखो, इतना सही होता तो ये रीजन आता था, हाफ होता तो ये रीजन आता था. तो मैंने कंप्लीट ले लिया, मतलब ये कंप्लीट सर्कल का एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर, यस और नो. ओके, आपको समझना चाहिए, इसीलिए मैंने ए और ए डैश दो पॉइंट्स बोल दिया, एक्चुअली वो ए ही पॉइंट है. बट आपको यहां पे मैंने अगर एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ ए लिखा तो वो लाइन दिखेगा ए ओ ए, तो ये कंप्लीट रीजन. आर यू गेटिंग मी क्लास? तो मैंने ए डैश बोल दिया सिर्फ समझने के लिए. इट्स क्लियर टू यू क्लास? पक्का? ओके, अब फिर से वही लॉजिक लगा देंगे क्लास कि 2π रेडियन है तब एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, π r², तो थीटा रेडियन होगा तब कितना, तो हमने a बोल दिया, चल जाएगा क्लास. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे. सो व्हाट वी गेट, जल्दी बोलो, a इंटू 2π रेडियन इज इक्वल टू π r² थीटा इन रेडियन. पक्का? तो इनमें से कुछ कैंसल हो रहा है, हाँ पाई कैंसल हो रहा है, पाई रेडियन गेट कैंसल, और कुछ कैंसल हो रहा है, कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा है, यस और नो. सो हमें फाइनली फॉर्मूला क्या मिल चुका है, देखो क्लास, ए इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा इन रेडियन. सो दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, जब हमें एंगल इंस्क्राइब दिया हुआ है थीटा इन रेडियन. इज दैट क्लियर टू यू? सो ये रेडियन में थीटा होना बहुत जरूरी है क्लास, एंड आपको जब प्रॉब्लम्स देंगे तब मैक्सिमम टाइम उन्होंने डिग्री में दिया होगा, तो इट्स आवर ड्यूटी कि पहले उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो. एंड वी नो दैट डिग्री थीटा अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर होगा वो क्या मिलेगा, रेडियन में मिल जाएगा, यस और नो. समझो एक आंसर आ रहा है तो वो रेडियन में मिल जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? सो ये डिग्री टू रेडियन कैसे करना है वो भी समझ में आ चुका है, इनफैक्ट वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था. सो यहां से देखो क्लास, हमने फर्स्ट इनिशियल पार्ट ऑफ दिस लेक्चर अच्छी तरह से कवर कर लिया है, दैट इज व्हाट, लेंथ, आर्क लेंथ, एंड सेकंड इज एरिया ऑफ सेक्टर. अब इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है तो उन्हें भी हम सॉल्व कर देंगे, जिससे हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाएगा. ओके नो, अब हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स देख लेंगे. तो ये सारे प्रॉब्लम्स बेसिकली आर्क लेंथ के ऊपर डिपेंड है, तो पहले उन्हें हम खत्म कर देते हैं एंड देन एरिया ऑफ सेक्टर वाले भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे. ओके नो, सो स्टार्ट कर देते हैं. देखो क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, थीटा दिया है 108 डिग्री में दिया है. तो मैंने आपको क्या बोला था कि वो गिवन डेटा डिग्री में देंगे, बट हमारा फॉर्मूला क्या है आर्क लेंथ का, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इन रेडियन. तो पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए. आर गिवन है 15 सेंटीमीटर, फाइंड एस, तो बेसिक फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इन रेडियन. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 15 सेंटीमीटर इंटू थीटा क्या है, 108 डिग्री है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 डिग्री से हम डिवाइड करेंगे. तो पाई रेडियन है, डिग्री डिग्री कैंसिल, और रेडियन में हमें आंसर मिल जाएगा. तो इसका देखो यार, आप कर लोगे 18 6 18 10 5 2 5 3 सो हमें क्या मिला, 2 1 2 3 मींस 9π रेडियन. देखो क्लास, 9π रेडियन, और ये आर्क लेंथ है,
तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर. कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है क्लास, फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करना है. और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, एंगल थीटा में दिया होगा, डिग्री में दिया होगा, उसे रेडियन में कन्वर्ट करो, दैट्स इट. एंड जो मिलेगा वो लिख दो. पाई की वैल्यू 3.14 वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं है क्लास, ऐसे भी आप रख सकते हो. या ऑप्शन में अगर वैल्यू पुट किया होगा तो ही पुट करके ऑप्शन को चूज करो. इज दैट क्लियर टू यू? देन क्या बोला है देखो क्लास, आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ आर ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ ए कॉर्ड लेंथ विच इज इक्वल टू रेडियस. तो पहले इसकी हम डायग्राम निकालेंगे तो हमें कुछ इमेजिन हो जाएगा क्लास. अब देखो क्लास वो क्या बोल रहे हैं कि रेडियस 9 सेंटीमीटर है. तो ये हो गया रेडियस जो 9 सेंटीमीटर है, ओके ना. फाइंड द लेंथ ऑफ अर्थ ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ द कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू रेडियस. समझो ये कॉर्ड है, जिसकी लेंथ भी कितनी है, रेडियस इतनी है, दैट इज व्हाट 9 सेंटीमीटर. और ये भी क्या होने वाला है, रेडियस ही तो होने वाला है, यस और नो क्लास. सो ये भी क्या होगा, 9 सेंटीमीटर. सो विथ दिस डायग्राम आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो ट्रायंगल बनने वाला है, दैट इज व्हाट OAOB, ये ट्रायंगल का ये एंगल 60 डिग्री होगा. अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि आपको तो गिवन दिया नहीं है 60 डिग्री, बट अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री 9 सेंटीमीटर मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल है मींस व्हाट, सारे इंटीरियर एंगल कितने होंगे, सेम होंगे, दैट इज व्हाट 60 होंगे. बिकॉज इंटीरियर एंगल की एडिशन क्या होती है, 180 डिग्री. तो सेम होंगे तो क्या होगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 180, यस और नो. ये सब बेसिक चीजें आपको पता है, मैंने सिर्फ आपको ये वर्ड प्रॉब्लम को कैसे मैथमेटिकली बना दिया है वो समझ में आ गया. तो इनडायरेक्टली हमें दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है. सो फाइंड आर्क लेंथ. आर्क लेंथ मतलब ये चीज हमें फाइंड करनी है, आर्क लेंथ यस और नो. So S is equal to R into theta in radian. R की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, theta in radian 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो पाई अपॉन 180 डिग्री, यस और नो क्लास. 61 जा 63 जा 31 जा 33 जा, सो आंसर इज 3 पाई सेंटीमीटर, दैट्स इट. सिंपल है क्लास, बहुत सिंपल है, यस और नो. मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आता है पक्का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन भी डिक्टो सेम है, आर दिया है, थीटा दिया है, तो मेरा बच्चा आराम से सॉल्व कर लेगा. फोर्थ क्वेश्चन में ना थोड़ा सेम ही है, बट थोड़ा सिचुएशन देखो. ये पेंडुलम है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यस और नो. सो इनिशियली यहां पे एंड इसका लेंथ उन्होंने बोल दिया है 14 सेंटीमीटर एंड उसने एंगल इंस्क्राइब किया है कितना, 18 डिग्री. तो ये जो आर्क लेंथ क्रिएट होगा ना वो हमें फाइंड करना है, दैट्स इट. सो यार कुछ मजा नहीं है इसमें यार. लेंथ ऑफ पेंडुलम मतलब क्या, रेडियस दिया है ना बेसिकली. देखो ना ये ऐसे ऐसे घूमेगा, मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम इज व्हाट, रेडियस. सो हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास, आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम, दैट इज व्हाट 14 सेंटीमीटर एंड थीटा दिया है 18 डिग्री. So S is equal to R in theta in radian. So 14 centimeter into theta को degree से radian में convert करना है, ये तो काफी अच्छा है. Because 18 tenza. So हमें क्या मिल जाएगा, 1.4 pi centimeter. Is that clear to you? अच्छी तरह से समझ में आ चुका है क्लास, पक्का बोलो क्लैरिटी के साथ, यस. सो
ये मैंने हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं, दैट इज व्हाट फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है यार, कुछ बड़ो बात नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबस्टेंस एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, फाइंड रेशियो ऑफ इट्स रेडियस। पहले तो आपको ये इमेजिन करने आना चाहिए कि यहां पे एक सर्कल है एंड यहां पे दूसरा सर्कल है, दोनों की रेडियस देखो अलग अलग है। यस, कितना है, एक 60 एंड दूसरा 75। तो ये समझो 60 डिग्री है एंड दिस इज व्हाट आर्क लेंथ एस, एंड ये 75 डिग्री है, उससे बड़ो होगा ना तो भी आर्क लेंथ एस ही है, मतलब ये दोनों आर्क लेंथ सेम है। यस और नो क्लास? तो इसका रेडियस कुछ तो आर वन होगा एंड इसका रेडियस कुछ तो आर टू होगा, तो हमें आर वन एंड आर टू का रेशियो चाहिए क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो हमें एस इज इक्वल टू आर थीटा इन रेडियन है, ओके नो? सो यहां पे मैं एस इज इक्वल टू आर वन थीटा वन इन रेडियन बोल देता हूं एंड एस इज इक्वल टू आर टू थीटा टू इन रेडियन बोल देता हूं, बिकॉज दोनों की आर्क लेंथ तो सेम है, तो यहां पे मैंने एस एस लिख दिया। अब मैं एस को इक्वेट करूं, सो व्हाट वी गेट, आर वन थीटा वन इन रेडियन इज इक्वल टू आर टू थीटा टू इन रेडियन, करेक्ट है? अब वैल्यूज तो पुट करना है हमें क्लास, क्या करना है, आर वन अपॉन आर टू चाहिए, तो ये आर टू को मैं यहां पे लेके आता हूं एंड दिस थीटा वन को मैं यहां पे लेके जाता हूं, सो थीटा टू रेडियन अपॉन थीटा वन रेडियन। अब थीटा टू दिया क्या है क्लास, ये हमारा आर वन है तो ये हमारा थीटा टू होगा, दैट इज व्हाट 75 डिग्री में दिया है, तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलर फैशन थीटा वन कितना दिया है 60, सो उसको भी डिग्री में दिया तो पाई अपॉन 180, तो ये एक्चुअली पाई अपॉन 180 गेट कैंसल, सो हमें कन्वर्ट करने की एक्चुअली जरूरत नहीं थी बिकॉज इट्स अ रेशियो ना, रेशियो में क्या होगा यार, एंगल्स तो 60 एंड 75, तो 75 अपॉन 60 लिखो या उसके ये डिग्री में लिखो या उसको रेडियन में लिखो, रेशियो तो ऑलवेज सेम ही होगा ना, तो कन्वर्जिंग फैक्टर कैंसल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, 15 4 15 5, सो आर वन अपॉन आर टू इज 5 2 4, दिस इज व्हाट अवर आंसर। अगर डायग्राम में 60 डिग्री वाले रेडियस को हमने आर वन एज्यूम किया है, तो अब कोई बच्चा यहां पे R1 लिखेगा यहां पे R2 लिखेगा तो अकॉर्डिंगली आंसर वैरी हो जाएगा, सो ये डायग्राम टू डायग्राम आंसर वैरी हो जाएगा। क्लियर है क्लास? अब क्लास सेक्टर के ऊपर, एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर जो प्रॉब्लम है उन्हें फोकस कर लेते हैं क्लास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास, इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा सा ज्यादा है या अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, सो पूरा फोकस करना चाहिए क्लास आपको। OAB इज अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस 12, मतलब यहां पे रेडियस 12 सेंटीमीटर दे दिया है क्लास। इफ OAB इज 45 डिग्री, AOB इज 45 डिग्री बोल दिया है क्लास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये पूरा रीजन आ जाएगा क्लास, पूरा रीजन एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस डिफरेंस चाहिए, सो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। देखो इस सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ये शेडेड रीजन बचेगा, यस और नो क्लास? So, इसका हमें एरिया चाहिए, तो पहले हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है यार, क्या पूछा है, क्या गिवन है, ये अच्छी तरह से समझना ना तो कोई इशू नहीं होगा। एरिया ऑफ सेक्टर के ये मेरे ख्याल से तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, क्यों, बिकॉज
एरिया ऑफ सेक्टर के लिए रेडियस चाहिए और एंगल चाहिए, सो हमें पता है उसका फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा इन रेडियन, तो वो हमें पता है। ओके नो, सो एरिया ऑफ सेक्टर का कोई इशू नहीं है, इशू कहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में इशू है। इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे, दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम उसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लेते, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लू क्लस, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो हमें पता है 12 सेंटीमीटर, बट हाइट हमें नहीं पता है, तो हम क्या यूज करेंगे क्लास, ट्रिग्नोमेट्री, ये भी तो 12 होगा ना, रेडियस है बॉस, यस। सो अब देखो इस ट्रायंगल को फोकस कर लेते, ये ट्रायंगल यहां पे नाम दे देंगे कुछ एम, सो ट्रायंगल ओ बी एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एंड वहां से हमें हाइट को हम एच बोल लेते हैं, यस। सो साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा क्लास, साइन 45 इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो अपोजिट साइड एच अपॉन हाइपोटेनियस 12 सेंटीमीटर है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया, एच इज इक्वल टू 12 इंटू साइन 45 कितना होता है क्लास, आपको 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में ये चार्ट हो चुका है, साइन 45, साइन 30, साइन 60, यस और नो, सो 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2, सो यहां तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। सो इसी को हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, 6 × 2/√2 मतलब 6√2 हो गया, सो हाइट हमें क्या मिल चुका है क्लास, 6√2। अब कैलकुलेशन सिर्फ करना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा इन रेडियन, हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा इन रेडियन, और इसका क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या है इस ट्रायंगल, अब होल ट्रायंगल कंसीडर करना, इतना सा नहीं होल ट्रायंगल, तो बेस क्या है इसका, रेडियस, यस, अरे बोलो पक्का, सो हाफ आर स्क्वायर थीटा इन रेडियन माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट का बेसिकली जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या था, यहां पे 12 सेंटीमीटर की जगह पे अगर हमने आर लिखा होगा तो ये आर इंटू साइन थीटा हो जाएगा, यस और नो क्लास, क्लियर है। मैं ये जनरलाइज पहले फॉर्मूला बना रहा हूं, बाद में हम इस चीज का यूटिलाइज कर सकते हैं, या जनरलाइज फॉर्मूला से हमें डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा। ओके नो, सो यहां से कॉमन देखो ना, हाफ आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाफ आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और ये थीटा इन रेडियन माइनस साइन थीटा ऐसे आ रहा है, यस और नो क्लास, क्लियर है पक्का। ओके अब देखो क्लास, हाफ आर की वैल्यू क्या है, 12 का स्क्वायर, थीटा इन रेडियन क्या है, 45 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे मैं कर लू क्लास, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 45 फोर्जा 180, तो पाई बाय 4 मैं लिख सकता हूं, यस और नो क्लास, माइनस साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। अभी देखो क्लास, रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है, कितनी, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है क्लास, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, एंड 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। ओके नो, तो ये सब हमें नेचुरली पता चल जाएगा जैसे जैसे हम मैथ्स में और डिटेलिंग करेंगे वैसे वैसे। ओके नो, इवन फिजिक्स में ये सब वैल्यूज हमें बहुत लगती है, स्पेशली पार्ट टू में जब हम अल्टरनेटिंग करंट वगैरह एसी सर्किट में जब खेलेंगे तभी ये सब रूट टू वगैरह की वैल्यू हमें रट्टा ही हो जाती है, तो कोई इश्यू नहीं होगा, अदरवाइज आपको स्टेट बोर्ड में इसकी वैल्यूज गिवन भी होगी। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा क्लास, 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 2, पाइज 3.14 अपॉन 4 माइनस 0.707, आप खुद कैलकुलेट कर लो, एंड दैट इज व्हाट आवर फाइनल आंसर, या इसे आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हो। ओके नो, इन टर्म्स ऑफ पाई भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू।
बट मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेशन कैसे हो सकता है. ओके नो, तो ये नया था कुछ तो. शेडेड रीजन, सेक्टर एंड ट्रायंगल के बीच का एरिया. ओके नो, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास, बिकॉज इसमें ही बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं समझ में आता. ओके नो, क्लियर कट समझा. सेकेंड मैंने क्या बोला कि आइदर आप ये जनरलाइज फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हो, और ये तो हाफ इंटू आर स्क्वायर मतलब 144 और थीटा इन रेडियन मतलब पाई बाय 4 माइनस हाफ, और यहां पे क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट ना. सो बेस क्या है बच्चा, रेडियस ये, दैट इज व्हाट 12, और हाइट हमने क्या निकाला था, 6√2. सो ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36, और ये कितना हो जाएगा, 72, और ये हो जाएगा 18. सो 18π − 36√2. ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 एंड रूट टू की वैल्यू 1.414. वहां पे 1/√2 था इसलिए हमने 0.707 लिया था, यहाँ पे रूट टू है तो 1.414. सो इन दिस फैशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, जनरलाइज फॉर्मूला भी बता दिया, एंड हम कंस्ट्रक्शन से हाइट पहले कैलकुलेट करके भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से मैंने सारे डाइमेंशंस आपको क्लियर करके रखे हुए हैं. अब नेक्स्ट उसमें कुछ वैरायटी नहीं है, 8th, 9th डिक्टो सेम फैशन में जाएगा. अब वैरायटी है 10th में. वैरायटी मींस गिवन डेटा थोड़ा घुमा के दे दिया है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. तो उसे भी हमें अच्छी तरह से डील करना है क्लास, पूरा फोकस कर लो प्लीज. क्या गिवन है देखो, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन, कितना दिया है. अब पहले सेक्टर कैसे दिखता है देखो, मतलब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब ये आर्क लेंथ और ये आर मतलब S+2 × R इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, और वो कितना दिया है क्लास, 56 सेंटीमीटर. एंड एरिया ऑफ सर्कल कितना बोला है, एरिया ऑफ सर्कल इज 64π cm का स्क्वायर. एंड वी नो दैट कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या, पाई आर स्क्वायर. सो ये पाई पाई गेट कैंसल, आर स्क्वायर इज 64, तो यहां से हमें क्या मिला, आर इज 8 सेंटीमीटर. क्लियर है. अब ये R की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दू, सो व्हाट वी गेट, S+2 × R मतलब 16 इज इक्वल टू 56. सो S इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. और हमें पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. सो अभी देखो क्लास, S इज इक्वल टू क्या होता है, R थीटा इन रेडियन, बरोबर है. सो S की वैल्यू है 40, R की वैल्यू है 8, थीटा इन रेडियन. सो यहां से थीटा इन रेडियन की वैल्यू क्या गई, 5. यस और नो क्लास. अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा इन रेडियन. सो हाफ R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और थीटा इन रेडियन इज 5. सो आंसर क्या आ जाएगा क्लास, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर. दैट्स इट. मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इसमें, एरिया या पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब आपको इमेजिन होना चाहिए क्लास कि ये R + R + S, दैट इज व्हाट 2R + S इज इक्वल टू 56 इज गिवन. एंड एरिया ऑफ सर्कल दिया है मतलब ही रेडियस दे दिया है. आर यू गेटिंग मी क्लास. सो इनडायरेक्ट डेटा देने का हमने एक तरीका भी सीख लिया, तो हम कभी इस ट्रैप में फंसेंगे नहीं क्लास. बहुत सारे बच्चे ये 2R को लेना ही भूल जाते हैं, वो S इज इक्वल टू 56 बोल देते हैं. S नहीं है, S मतलब क्या, आर्क लेंथ है. पेरीमीटर मतलब ये भी तो रेडियस, और रेडियस मतलब 2R भी तो उसमें एड होगा. So, मेरे ख्याल से तो मैंने हर एक डायमेंशंस
इस एक्सरसाइज के आपको क्लियर कर दिए हैं, बट फिर भी आपको कुछ डाउट्स होंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज तो प्लीज आप कमेंट कर दो क्लास, ओके नो। एंड फटाक्स से पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर दो, बाद में करता हूं ऐसा एटीट्यूड प्लीज मत रखना, ओके नो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।